हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब गाइस? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नायका हॉल, या आप ये भी कह सकते हो सिंपल स्किन केयर रूटीन फॉर गर्ल्स। गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस पहले भी जब मैं शॉर्ट वीडियो छुड़ाती थी तो मेरे को ना कमेंट आते थे कि टैग आयुर्वेदा का जो फेस वॉश है उसका रिव्यू दो। तो हे इट इज़ गाइस, फर्स्ट ये द टैग का आयुर्वेदा कंपनी जो है इसका 7% कुमकुमादी फेस वॉश विद सेफ्रॉन एंड 24K गोल्ड, टॉक्सिन फ्री है, सल्फेट और पैराबिन फ्री है और फॉर ऑल स्किन टाइप। ये हमारी स्किन में एक रेडियंट प्रोवाइड करता है, यूथफुल स्किन बनाता है हमारी। और गाइज ये अगर हम इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन में गोल्डन ग्लो आएगा, हेल्दी और स्मूथ स्किन रहेगी हमारी, हमारी स्किन यूथफुल रहेगी। तो गाइज मुझे तो ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा लगा। अभी मेरे को सिर्फ इसको 4 दिन ही हुए यूज़ करते हुए, पर गाइज मुझे इसका रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिले। जैसे कि आप देख सकते हो इसका टेक्स्चर बहुत ही गोल्ड टाइप है, लग्जूरियस वाइब देता है। आई थिंक गाइज ये मुझे लगता है, मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ, 300 इसका प्राइस है। तो आपको ना ये नायका पे 250 तक मिल जाएगा जब सेल चल रही हो, तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। बहुत ही अच्छा फेस वॉश है गाइज। सेकेंड है मॉइस्चराइज़र, ये है रिकविल का सेरामाइड एंड हल्ड्रोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र। गाइज ये भी बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, इसके अंदर है सेरामाइड हाइड्रोनिक एसिड और मैंगो सीड बटर। गाइज बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र, ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और गाइज इस ये हमारी स्किन में जो अगर जो हमारी स्किन ड्राई है उसको हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, कि स्किन को हमारी सॉफ्ट रखता है, सप्पल रखता है। क्रीमी इसकी फॉर्मुलेशन है और स्टेबल है नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए। गाइज ये भी बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। मैंने तो पहली बार रिकविल की कोई मतलब प्रोडक्ट ट्राई किया, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इसका प्राइस मैं गाइज स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आपको वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो गाइज नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिकविल का ही अल्ट्रा मैट ड्राई टच सनस्क्रीन। गाइज उसके बाद आ जाती है हमारे पास सनस्क्रीन, जो कि हमारे को रोज़ लगानी चाहिए डेफिनेटली, या मानसून हो या कुछ भी हो, रेनी डेज हो, हमारे को सनस्क्रीन स्किप नहीं करनी चाहिए। गाइज ये भी बहुत ही अच्छी लगी मुझे सनस्क्रीन, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर उसकी। गाइज जो स्मेल है इतनी मतलब बहुत ही अच्छी स्मेल है, बहुत अच्छी। इसके अंदर SPF 50 PA++++ ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वाटर स्वेट रेजिस्टेंस है, लाइट होता है स्किन पे, वाइट कास्ट गाइस बिल्कुल भी नहीं है। मेकअप के लिए भी बहुत ही अच्छा है, मतलब ये आप मेकअप के अंदर भी लगा सकते हो। वेलवेटी मैट टेक्सचर गाइस ये इसका, और ये इन्होंने सही बात बोली, इसका थोड़ा सा ना वेलवेट टेक्सचर है, और ये हर स्किन टाइप वालों के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर। गाइस आप भी इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसको ना अपने रीयूज़ भी यहाँ पर लिखा हुआ करना 6 हॉर्स के बाद, तो आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हो। इसका प्राइस है 645 रुपीज़, इसका 645 रुपीज़ बाय मतलब प्राइस है गाइज। इसको भी आप बाय कर सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद गाइज ये है लव स्टक्ट बाय नायका, लव नोट्स मतलब परफ्यूम है ये नायका की। गाइज इसकी फ्रेग्रेंस मुझे इतनी प्यारी लगी, फ्रूटी फ्रेग्रेंस होती है जैसे, बहुत ही प्यारी है। और ये पॉकेट फ्रेंडली भी, आप इसको कहीं भी अपने पर्स बैग में कैरी कर सकते हो। गाइज ये डेफिनेटली बाय कर सकते हो, 249 की है शेल से ये परफ्यूम। और गाइज मुझे तो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी लगी, स्मेल भी इसकी 10/10 है, डेफिनेटली बाय कर सकते हो। नेक्स्ट गाइज हम बात करते हैं फेस वॉश की, तो ये है लॉरियल पेरिस का ग्लोइंग डेली क्लेंजर फोम ग्लाइकोलिक एसिड ब्राइट फेस वॉश। ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, साथ में रिमूव करेगा डलनेस को और ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करेगा। ये भी गाइस डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और इसको भी आप बाय कर सकते हो। इसका प्राइस भी गाइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तब चेकआउट कर लेना गाइस। ये भी बहुत ही अच्छी फेस वॉश है गाइस। उसके बाद है नेक्स्ट लॉरियल पेरिस की क्रीम, इसी की क्रीम है ग्लोइंग क्रीम डे। इसके अंदर गाइस SPF 17 है। उसके बाद गाइस ये भी बहुत ही अच्छी क्रीम है, आप इसको फेस और नेक पे लगा सकते हो एवरी मॉर्निंग, और इसको आप मेकअप के अंडर भी लगा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। इसका भी जो स्मेल है बहुत ही अच्छी है, और ये भी इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा, लाइट वेट है स्किन पे। ठीक है गाइज, किसी का भी लिंक चाहिए तो मुझे बताना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी।
उसके बाद गाइज आता है लैक्मी का 9 to 5 स्किन स्टाइलिस्ट कलेक्शन लूमी लिट क्रीम। ये हाइलाइटर और मॉइस्चराइजर का काम करता है, मतलब हाइलाइटर इन मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर में ये हाइलाइटर है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो उन्होंने। ये मेरा फर्स्ट परचेज है, मैंने आज तक इसको कभी मतलब लिया नहीं है, मेरा फर्स्ट है तो अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया, और जब मैं ट्राई करूँगी तो तभी इसका मैं आपको रिव्यू दे पाऊँगी। ये है शेड ड्यूई रोज। तो गाइज अभी तक मैंने इसका मतलब ट्राई नहीं किया, तो वैसे इसका प्राइस 325 रुपीज़ है, तो मैं ट्राई करके फिर आपको उसका रिव्यू दूंगी। उसके बाद गाइज लास्ट में आता है लोरिया पेरिस हाइलुरॉन मॉइस्चर शैम्पू। तो गाइज 72 आवर्स इन्होंने बोला आपके हेयर्स मॉइस्चराइज देंगे। तो ये गाइज ये भी मेरा फर्स्ट परचेज है, मैंने आज तक पहले लोरिया का कभी शैम्पू ट्राई नहीं किया। तो गाइज अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।